हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रो झरना। ये एक सुंदर झरना है, बहुत बड़ा झरना है। आप लोग दिखा, आप लोग का हम अभी झरना दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए देखिए, बहुत बड़ा झरना है, आप लोग देख सकते हैं। ये उधर दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत आगे। हम लोग को और अच्छे से दिखाते हैं, देखिए आप लोग करीब से दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर झरना पूरा बह रहा है। हाँ, आप लोग और अच्छे से दिखाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पूरा चारों साइड जंगल आपको मिलेगा देखने के लिए, जंगल ही जंगल। और इस सब जंगल के बीच में ये चंद्रो नाम का एक फॉल है। ये झारखंड में बोकारो डिस्ट्रिक्ट के नरकी एरिया, नरकी एक गांव के जगह है, वहाँ एरिया में पड़ता है ये झरना। खूबसूरत नजारा है, आप लोग देख लीजिए इधर। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ आके इतना, मतलब मन इतना शांत सब महसूस, खुश महसूस हो रहा है ना, कि आप लोग को अपना फीलिंग्स नहीं बता सकती। इतना खूबसूरत जगह है ये, आप लोग देख सकते हैं ये सब। यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। यहाँ तक इतना खूबसूरत जगह, उस पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोग के लिए नए नए वीडियोस डालती रहूँगी। ऐसे मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा ब्लॉग्स बनाती हूँ, और आप लोगों को हमेशा मैं नए नए जगह का जगह दिखाती रहूँगी। कितना खूबसूरत जगह है, आप लोग मेरे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती रहती हूँ हमेशा। अभी मेरा नया चैनल खुला है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।
लोग वापस जा रहे हॉस्टल। ये है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तपन दास। हम लोग वापस जा रहे हैं हॉस्टल, क्योंकि हम लोग साइकिल, हम लोग आज ट्रेनिंग थी साइकिलिंग का, तो बस साइकिलिंग करते करते हम लोग आ गए थे झरना घूमने, और थकान का भी महसूस ज़्यादा नहीं होता इस वजह से। तो बस हम लोग आज आए थे और आप लोग को भी दिखाएं। इस खुशी में तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स की कर दीजिएगा। ये इतना मतलब अमेजिंग जगह है, पूरा चारों तरफ जंगल, उसके बीच में एक झरना, इतना खूबसूरत जगह, सुकून ही सुकून मिलता है। हम लोग इस दुकान जगह रुके हैं, बहुत भूख लगाया प्लस थके हुए हैं बहुत ज़ोरदार, तो कुछ खा लेते हैं। ये रहा मेरा साइकिल और हम लोग अब वापस आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग आए कम से कम 20 किलोमीटर दूर, अभी हम लोग फिर से 20 किलोमीटर वापस जाना है, बस थके हुए हैं और चल। एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नजारा देखिए, पूरा जंगल ही जंगल, सच में गिर गया। मेरे पीछे वाला छोकरा का चेन उतर गया है, बस हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं उसका। अरे यार मेरी साइकिल नहीं उतर रही, मैं वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा हमको। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी एरिया है वो मतलब जंगल के बीच में घर है, तो ये मतलब शहरों के भीग भाग दौड़ से मतलब जो सुकून है ना, ये इस गांव इस जंगल में आके इस सुनसान एरिया खुला एरिया में आके ही मिलेगा। ये हम पहुंचे नरकी, पहुंच गए नरकी चौक, आप लोग आगे सामने देख सकते हैं। तो बस हम निकल रहे हैं, अब यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे आप लोग देख सकते हैं। अभी मेरे ऑटो से एक्सीडेंट होते होते रह गई मैं, अगर थोड़ा सा सड़ जाती तो बस गिर ही जाती। तो बस पहुंच रहे हैं, 400 बेच रहे थे, अभी 300 दिए पूछो सामने, 400 रुपए किलो मालूम बेच रहे, अब क्या करें, कुछ कम कर दिया ना। अब देखो ना, इधर देखो, 400 बेच रहे थे, 300 लगा दीजिए, कोई इसका कपड़ा पर डाले ना, एक बुन लगेगा नहीं लीजिए वापस ना। तो फोटो कितना वीडियो बनाएगी। ये हम लोग का छठवा स्टॉपेज, दोस्तों बहुत थक गए हैं, इतना थकवा रहा है कि क्या ही बोले। आप लोग देख सकते हैं हमारा हालत कैसे हो गया, बहुत बुरा तरीके से बस मरने का ही हालत में आ गए। अभी फिर भी हम लोग और पूरा 8 से 9 से ज़्यादा इतना किलोमीटर बाकी है, तो बस पहुँच रहे हम लोग। दोस्तों हम फाइनली हॉस्टल पहुँच गए हैं, तो देख सकते हैं थक गए हैं, तो बस हम रूम जा रहे हैं। बस हम हॉस्टल पहुंच गए, अब बस बैग वगैरह रख के, ये हमारा छोटा इधर आ जाइए, ये तो गया नहीं था, खा रहा है अभी चाट।
बहुत ज्यादा थके हुए, अरे तो देखे मौज कर रहा है पूरा। तो बस हम जाते हैं सू खोलते हैं, उसके बाद बहुत पसीना पसीना पूरा स्वेटिंग पूरा हो गया है, तो बस हम नहा धो के फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।